बीपी टी हनुमान जी की पार्टी बोतल वाली और इंडिपेंडेंट और भी नाम भूल गया क्या बीपी टी बोल गया भैया सीपीएम तो ही है वो तो सिरमौर है भैया सीपीएम का तो योगदान रहते ही सदन में हमेशा तो सबने मिलके आपके नाम का प्रस्ताव किया और सर्वसम्मति से आप चुने गए हैं और जब सर्वसम्मति चुने जाते हैं तो जिम्मेवारी बहुत बड़ी बढ़ जाती है जिसका अनुभव कैलाश मेघवाल जी को भी है दीपेंद्र शेखावत जी को भी है और पक्ष विपक्ष सबको आपको डील भी करना है उनकी भावनाओं की कद्र भी करनी है और अपनी निष्पक्ष राय भी देनी है और आपकी फितरत के अंदर है कि आप निष्पक्ष राय देने में अपना कमिटमेंट रखते हैं मुझे मालूम है इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि विपक्ष को कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी परंतु रुपया अध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं कि आप कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के रूप में आप प्रस्तावित हुए हो तो हमारे लोग अन्याय नहीं होना चाहिए कृपा करके ध्यान रखें इस बारे में कि आप देखें कि लोग क्या सोचेंगे विपक्ष क्या सोचेगा और हमारे सदस्य न हो अध्यक्ष महोदय मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरा निष्पक्ष होकर शहर बनाएंगे आपकी क्षमता पे आपकी योग्यता पे आपके विचारों से अवगत हैं आपके व्यवहार से अवगत हैं आपने खुद ने भी कहा कि मैं अभी तक तो खाली सुनना तो आया हूँ अब मुझे सुनने का भी एक जिम्मेवारी मिल रही है तो मुझे विश्वास है कि आप सबकी बात सुनकर के सही फैसला करेंगे इन्हीं सब के साथ में मैं पुनः अपनी ओर से आप सबकी ओर से आपका बधाई आपके कार्यकाल बहुत उत्तम रहे कामयाब रहे उसके लिए मेरी शुभकामनाएं देता हूँ धन्यवाद राजस्थान विधानसभा के सर्वोच्च पद पर पक्ष और विपक्ष के सभी बंधुओं ने मिलकर एक मत से आपको यह गरिमामय पद सबकी सहमति से प्राप्त हुआ उसके लिए मैं आपको हृदय से और मेरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस देश के महापुरुषों ने इस देश में जिस लोकतंत्र की स्थापना की है उस लोकतंत्र की संचालन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके आसन की है पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं और हम सभी का ध्येय एक ही होता है कि हम सब जनता के लिए और जनता के लिए काम करें सत्ता पक्ष अपना काम करती है हम प्रतिपक्ष के नाते जनता के हर हित की रक्षा करना हमारा दायित्व है उस दायित्व का हम भरसक प्रयास करें आसन से हम इतना ही चाहते हैं कि प्रतिपक्ष की मन की भावनाओं को जो हमारी नहीं है जनता की उसको आप तक और इस सदन के माध्यम से राजस्थान की 7 करोड़ जनता को पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम प्रतिपक्ष के नाते जनता के हर हित की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं और उसके अनुसार अपने आचरण के द्वारा राजस्थान की जनता को आश्वस्त करते हैं कि जो आपके द्वारा मैंडेट हमको मिला है हम उसको सर माथे पर रखकर स्वीकार करते हैं और लोकतंत्र की इस गाड़ी को पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस लोकतंत्र को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयत्न करें मैं अपनी ओर से अपने दल की ओर से आपको इस पद पर आसीन होने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे ये जरूर चाहूंगा कि हम प्रतिपक्ष के लोग हैं हमें भी जनता की हर समस्या को आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का आपका सहयोग बना रहे इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर इस गरिमा में आसन को मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से